देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हम अभी मौजूद हैं वृंदावन धाम में और कुंभ स्थल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसा दिव्य नजारा यहाँ पे है। जैसा कि इस पैलेस को सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, या जो भी व्यक्ति आता है वो बगैर सेल्फी लिए यहाँ से नहीं जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? बदायूं से। अच्छा, कैसा लग रहा है कुंभ में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या विशेष आपने देखा कुंभ में? पानी के अंदर लाइटिंग ही लाइटिंग है। पानी के अंदर जो लाइटिंग है वो आपको आकर्षित कर रही है। आपने इनको सुना, ये बदायूं से आए हुए हैं और इन्होंने बताया कि पानी के अंदर जो लाइट है, मैं अपने कैमरा में सकूंगा एक बार दिखाएं, पानी के अंदर जो लाइट दिख रही है वो लाइट यहाँ के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इसी श्रृंखला में एक श्रद्धालु और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? दीपक कुमार विश्वास। कहाँ से आए यार? मैं भी बदायूं से हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है वृंदावन धाम का जो वातावरण है, जो यहाँ की स्वच्छता है, वो देख के बहुत दिल खुश हो गया। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हर बार ऐसा ही किया जाए। तो ये जैसे कि अभी आपने कुंभ घूमा है, पहली बार वृंदावन धाम में ऐसा कुंभ लग रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? यही है कि गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हर बार ऐसा ही कुंभ हो, और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर बार आए। तो कितने लोग आप आए हैं यहाँ पे? अभी हम लोग 7-8 जने। 7-8 आए, तो आगे क्या कहेंगे और लोगों को लेके आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम फैमिली लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि कुंभ में हम प्रथम बार यहाँ पे आए हैं और यहाँ आके मैं अपने कैमरा में सुनूंगा एक बार दिखाएं, ये जो लाइटिंग है वो लोगों को लुभा रही है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी लाइटिंग को, जैसे कि यहाँ पे वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर केवल लाइटिंग की वजह से प्रसिद्ध है, वही लाइटिंग उससे भी भव्य लाइट आज यहाँ कुंभ में आपको देखने को मिल रही है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है तो बगैर यहाँ पे फोटो लिए नहीं जाता है। ऐसा नज़ारा, ऐसा दिव्य नज़ारा आज कुंभ स्थल पे है। और भी बहुत सारी जगह है, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो तैयारियों को लेके भी हम बात करते हैं। जी भैया, कहाँ से आई हो आप? क्या नाम आपका? ग्वालियर से आई हैं। कैसा लग रहा है वृंदावन में आके? तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? क्या महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आपने इनको सुना, ग्वालियर से आए हुए श्रद्धालु हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब हमने इनसे सवाल किए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कुछ महिलाएं और हमारे साथ जुड़ी हुई है। माता जी, क्या नाम है आपका? शास्त्री सुधा सिंह। कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई हैं। वृंदावन धाम में आज आप कुंभ में आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो क्या क्या देखा आपने कुंभ में? देवराम बाबा की समाधि पे आए हुए हैं, उधर से घूमते आए, रास्ता भूल गए थे, गाड़ी दूसरे गेट से निकाली। अच्छा। हम पहले नंबर वाले रास्ते को जानते थे, तो थोड़ा भटक गए, सारे में घूमते हुए। तो वहाँ आपको असुविधा हुई कुछ? नहीं नहीं, कोई सुविधा, सब सुविधा नहीं हुई, नहीं कोई। तो महिलाएं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ज्यादातर महिलाएं यहाँ पे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित। कोई दिक्कत? आपने इनको सुना, महिलाओं की सुरक्षा को लेके जब इनसे सवाल किए गए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। जैसा कि नज़ारा आप देख रहे हैं, लोग बदस्तूर यहाँ पे दिव्य छवि के दर्शन कर रहे हैं। जो दिव्य छवि आज कुंभ में है उसके लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो नज़ारा है, मैं अपने कैमरे में एक बार ये दिखाएं, ये जो नज़ारा है कुंभ का, एक बार वृंदावन धाम में इस तरीके का कुंभ लगा है, को देखने के लिए डेली लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं। और जहाँ तक कहा जाए, लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय निवासियों की बात की जाए, तो स्थानीय निवासी भी बड़ा आनंद अब की बार वृंदावन धाम में ले रहे हैं। पुलिस की आवाज़ के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।